की सबसे बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश की सियासत की सबसे बड़ी खबर हिंदुस्तान पर। जी हाँ, राकेश टिकैत सीएम योगी आदित्यनाथ के नाम को लेकर उनके रुख जो है, उनके तेवर जो है वो नरम पड़ते हुए नजर आए हैं। जी हाँ, जब उनसे बात की गई तो उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ को चीफ मिनिस्टर दोबारा बनना चाहिए, लेकिन विपक्ष को मजबूत होना चाहिए। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि हमारे पास तो हर दल का स्वागत है, हमारे इलाके में हर दल आ सकता है, उनका स्वागत है। और आप देखिए कितना बड़ा संकेत और कितना बड़ा संदेश है, क्योंकि लगातार ये प्रोजेक्ट करने की कोशिश की जा रही थी कि इस बार का चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा क्या होगा, वो मुद्दा होगा किसानों का। इस बार का सबसे बड़ा मुद्दा क्या होगा, वो होगा किसान आंदोलन। किसान आंदोलन में क्या कुछ हुआ, उसको लेकर सरकार को घेरने की पुरजोर रणनीति लगातार काम कर रही थी। लेकिन आज का जो बयान है वो वाकई उत्तर प्रदेश की सियासत में, उत्तर प्रदेश के आने वाले आगामी विधानसभा चुनावों में। और देखिए हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं, तुषार मेरे साथ हैं। तुषार, कितना बड़ा बयान ये देखा जाए, क्योंकि क्योंकि तुषार से बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले सुनेंगे राकेश जी कहते कहा क्या है, वो सुनिए। किसान हमारा हमारा ये है कि सारी पार्टियां किसान का नाम लग गई लेना, आंदोलन से इतना फायदा हुआ के अपने घोषणा पत्र में नाम लेने लगी, घोषणा पत्र में नाम लेने लगी। तो भाई जब किसी की भी सरकार बन जाएगी तो उनसे पूछ जाएंगे। और विपक्ष और जिम्मेदार आदमी जो मजबूत लोग हैं वो चुनाव जीतने चाहिए, मतलब विपक्ष भी मजबूत रहना चाहिए अपनी बात कहने के लिए, विपक्ष भी मजबूत रहना चाहिए। तो आप देखिए राकेश टिकैत को आपने सुना, और अब सीधा रुख करेंगे मेरे सहयोगी तुषार का। तुषार, उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा सियासी सूबा और आज का सबसे बड़ा बयान यही, राकेश टिकैत के बदले सुर कितना व्यापक आप इसको देखते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा तो यही था ना, किसानों का, किसान आंदोलन का। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से किसान आंदोलन जब हुआ, आपने देखा होगा मकसूद की किसान आंदोलन के बाद से थोड़ा सा बीजेपी की जो स्थिति थी वो डवाडोल होती दिख रही थी, लेकिन जब तीनों कृषि कानून बिल वापस हुए उसके बाद बीजेपी फिर से उतने ही तेजी से राइज की और उतने ही तेजी से उसने स्टैंड किया। अब जब राकेश टिकैत की, अच्छा एक और बात मैं बताऊं, तो कल जिस तरह से नरेश टिकैत की बात हो रही थी, तो नरेश टिकैत कल समाजवादी पार्टी और RLD के फेवर में बयान दे रहे थे, जिसके बाद से कई सुर्खियां बनी, कई सवाल खड़े हुए कि आखिर में अगर आपको राजनीति ही करना था तो फिर किसान आंदोलन के नाम पर क्यों राजनीति की है। तो अब जब राकेश टिकैत को ये पता चला तो ये राकेश टिकैत अब मामले को लेकर खुद सामने आ गए हैं और उन्होंने सीधे तौर पर विपक्ष के ऊपर हमला बोल दिया। देखिए राकेश टिकैत अगर इस किसान आंदोलन में देखें तो सबसे अधिक किसी का नाम उभर कर आया सामने तो वो था राकेश टिकैत। राकेश टिकैत का नाम बहुत बड़े स्तर पर उभर कर सामने आया था, क्योंकि इस पूरे आंदोलन में राकेश टिकैत ने सबसे अधिक लीड ली थी। तो अब राकेश टिकैत का अगर इस तरह का बयान आया है तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं ये विपक्ष के लिए एक बड़ा मुश्किल साबित हो सकता है, क्योंकि विपक्ष हमेशा से इस फेवर में था कि किसान उनको सपोर्ट करेंगे, राकेश टिकैत उनको सपोर्ट करेंगे। जिस तरह से देखिए कहीं भी अगर मैं बात करूं तो किसी की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तो सबसे अधिक अगर किसी के लिए वादा किया जाता है तो वो किसानों के लिए वादा किया जाता है। आज भी अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो हाथ में अन्न लेके वो कसम खा रहे थे कि हम आएंगे तो किसानों के लिए ये कर देंगे, किसानों को 25 लाख रुपए दे देंगे, तमाम वादे उन्होंने किए।